Forever? Friend? हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्यार दोस्ती है और रिलेशनशिप के बाद भी अगर हम दोस्त बन के रहेंगे तो जिंदगी अच्छी कटेगी. So, will you accept my proposal? हेलो. हाँ प्रियंका, वेयर आर यू? ऑफिस में. क्यों? ओके, कब तक फ्री हो जाओगी? 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगी. कुछ बात करनी है तुमसे. मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है. मिलते हैं 2 घंटे में. ओके कूल, बाय. बोलो, क्या बोलने वाले थे? पहले तुम बोलो. ओके, सुनो, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, दीपक. हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर आज उसने मुझे प्रपोज किया. जैसे ही उसने मुझे प्रपोज किया, then I realized what the fuck I am doing.
इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती हम दोनों की है, तुम्हारी और मेरी। हम दोनों ने वादा किया था कि जिंदगी भर दोस्त बनकर रहेंगे, पर धीरे धीरे वी बोथ हैव टेकन ईच अदर फॉर ग्रांटेड। ना हम डिस्कस करते हैं, ना हम शेयर करते हैं, और ना ही हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपने रिलेशनशिप को गिव अप कर रहे हैं। याद है क्या बोला था तुमने मुझे? प्यार दोस्ती है। विल यू बी माई फ्रेंड फॉर एवर? सो मिस्टर राहुल, आई वॉन्ट टू आस्क यू, कहाँ गई वो दोस्ती? हाँ बोलो, कहाँ गई वो दोस्ती? कहाँ गया वो फ्रेंडशिप? हाँ राहुल, लेट्स बिगिन आवर फ्रेंडशिप अगेन। विल यू बी माई फ्रेंड फॉर एवर? अच्छा, बाय द वे, दीपक को तुमने क्या बोला? प्रियंका, आई रियली लाइक यू, विल यू मैरी मी? लिसन दीपक, मैं पिछले दो दिनों से यही सब सोच रही हूँ। आई नो यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर क्या है ना, यू शुड नेवर टेक परमानेंट डिसीजन on temporary feelings. Please don't take it otherwise. पर ये सच है। No, 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 not at all. In fact, मुझे तुम्हारे लिए respect और भी बढ़ गया है। अच्छा, काफी समझदार हो गई हो तुम। हाँ ओ हेलो, समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे क्या बोलने वाले थे? मैं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं? हाँ बस कुछ खा। अच्छा ये बताने वाले थे, फोन उठाओ और स्पीकर पे रखो। हे, कितने बजे तक आ रहे हो? जेनी, आई थिंक यू शुड नेवर टेक परमानेंट डिसीजन ऑन टेम्पररी फीलिंग्स। व्हाट?